न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने जबरदस्त तरीके से मुकाबले को जीत लिया। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप 2019 के 25वें मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 242 रनों का लक्ष्य दिया। साउथ अफ्रीका ने निर्धारित 49 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 241 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की तरफ से विस्फोटक बल्लेबाज हासिम अमला ने एक बार फिर अपने बल्ले से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 4 चौकों की मदद से 55 रन बनाए, तो वहीं फाफ्टू प्लेसी ने 23 रन बनाए। अब बल्लेबाजी करने आए डेविड मिलर ने 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 36 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की तरफ से सबसे ज्यादा रन जैकसन ने बनाए। जैकसन ने 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 67 रन बनाए और अपनी टीम का स्कोर 241 रन तक पहुंचाया। 242 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने ये मुकाबला केन विलियमसन और कोलिन डी ग्रैंडहोम की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते जबरदस्त अंदाज में जीत लिया। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे कोलिन डी ग्रैंडहोम ने 47 बॉलों का सामना करते हुए 60 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 2 आग उगलते छक्के लगाए, तो वहीं आखिरी तक बल्लेबाजी कर रहे केन विलियमसन ने 9 चौके और 1 छक्के की मदद से 106 रन बनाए और अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। आपको न्यूजीलैंड की जीत और केन विलियमसन की 106 रन की पारी कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें।